ठीक है भैया जी, मैं दिलशाद फलैन है, मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। इसके अलावा वाल्मीकि मंदिर लाहौर, वहाँ पर अपनी सेवा सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जहाँ पर आप आए हैं, ये श्री कटास राज, जो हमारे महादेव शिव शंकर हैं, ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये उसका शिव का प्रतीक है। शिव का जो आंसू गिरा था, आप जानते हैं कि जब प्रजापति दक्ष जो हैं, उन्होंने जब यज्ञ करवाया था, सोमा यज्ञ, उसमें हमारे महादेव शिव शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसी वजह से जो है वहाँ पे माँ पार्वती जो है हमारी महासती जो थी, वहाँ पर शिव के कहने पर, वो वहाँ पर ना कहने पर भी वो वहाँ चली गई थी। वहाँ पर जो है जब उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो राजा जो हमारे दक्ष जी हैं, उन्होंने वहाँ पर महादेव के लिए काफ़ी विचार जो है ना सांझे अपने, वहाँ पर उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर आप एक और शब्द भी कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी इस कुंड में। इसलिए जब वो नहीं रुके तो माँ सती उसमें कूद गई। ठीक है, तो जब वहाँ कूदी तो उनकी जो है ना आवाज़ निकली, वहाँ वो आवाज़ महादेव शिव शंकर तक जहाँ पहुँची। ठीक है, महादेव जी कैलाश से उठकर उसी समय उस यज्ञ में आए और जब उन्होंने देखा अपनी पत्नी को, तो बहुत क्रोधित हो गए। वहाँ पर माँ सती जब कुंड में थी, उस यज्ञ कुंड में, वो इतनी विशाल हो गई थी अग्नि से कि वो पूरी सृष्टि को भस्म कर देती। वहाँ पर जो हमारे हमारे विष्णु जी हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था उसको, उनको शांत करने के लिए ना। जब उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, वहाँ माँ सती के 51 पीठ हुए। अच्छा, जब 51 पीठ हुए तो महादेव उनके वियोग में उन्हें लिए उठाए पूरी सृष्टि में जा रहे थे। ठीक है, तो जब वो इस सरजमीन से गुजरे तो इतने वो अफसुदा हुए कि उनके आँख से एक आंसू अपनी पत्नी के वियोग में जा गिरा। जो आंसू था वो आप जो ये सरोवर देख रहे हैं, श्री कटास राज, ये उसी का ही प्रतीक है। महादेव शिव शंकर जब माँ सती के वियोग में रो रहे थे तो उनका एक आंसू कटास राज में गिरा, और एक आंसू उनका पुष्कर राज में गिरा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब 51 पीठ हुए थे माँ सती के, जहाँ जहाँ पे उनका पीठ गिरा, वो 51 पीठों के नाम से आज भी वो जगह स्थापित है। जैसे हमारे पाकिस्तान में लाज देवी के नाम से वो जगह है, आप कटरा में जाते हैं तो वहाँ पे वैष्णो देवी के नाम से, ऐसे पूरी दुनिया में माँ सती के 51 पीठ है जिसकी पूजा की जाती है। तो अभी आप भाई लाहौर में होते हो आप? जी बिल्कुल, लाहौर में वहाँ पर वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ पर अपनी सेवा सर अंजाम दे रहे हैं एज अ पुजारी। ओके, वहाँ पर दो टाइम पूजा होती है, सुबह शाम में, उन सब में। ओके, और वैसे आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? मेरा बेसिकली जो मैं ताल्लुक रखता हूँ मुल्तान से। अच्छा, आप जानते हैं कि मुल्तान वो धरती है जहाँ पर हमारी बेसिकली हिंदू जो धर्म है उसकी होली का आगाज हुआ था। हाँ, वो मुल्तान ही धरती है। ठीक है, जहाँ पर हमारे स्वयं विष्णु भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए। बिल्कुल, राजा हिरण्यकश का वध किया और होली का जो उनकी बहन थी राजा हिरण्यकश की, उनको जब जलाया गया तो फिर उनके जब राख जब जलाया गया तो जब भस्म हो गई थी जो इसकी राख बची थी, वहाँ के जो वासी थे वो जब वहाँ पर आए, उसी राख को उठा के उन्होंने कहा होली का हुल, उसी के नाम से होली का त्यौहार आज तक हम लोग मनाते हैं। ठीक है, उस टाइम बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी। ठीक है, उसी दिन को हम होली का नाम देते हैं। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें वीज़ा दिए हैं हिंदू यात्रियों के, तो आप भी इंडियन गवर्नमेंट से ऐसा कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीज़ा मिले, कि आप भी जो आपके शक्तिपीठ हैं इंडिया में हैं, जो धार्मिक जगह उन्हें भी आप देखना चाहते हैं? जी देखिए, बात यह है कि देखिए गवर्नमेंट जो है ना, हम दोनों की बहुत साझी हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ के मामलात देखिए, धार्मिक लिहाज से आपको जो है ना फुल प्रोटोकॉल, फुल आज़ादी है। अपने धर्म के पे रहते हुए आप जो है ना उन धामों की यात्रा कर सकते हैं, और ये कोई भी कानून इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म पे जो वहाँ के आपके स्थान हैं, आप उनकी वो ज़ियारत कर सकते हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ठीक है।